राहुल गांधी ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को एक चुनावी सभा को संबोधित किया था, लेकिन अब इसको लेकर विवाद हो गया है। लेकिन इस सभा में राहुल गांधी की सभा में खुद को नहीं बोलने दिया जाने का आरोप लगा रहे हैं आरजेडी नेता। उनका कहना है कि मुझे राहुल गांधी की सभा में बोलने नहीं दिया गया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अब नाराज है और उनका दर्द बढ़ चुका है जो बाहर आ गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति के कारण उन्हें बोलने नहीं दिया गया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है, मेरे आदरणीय पिता की अनुपस्थिति की वजह से मुझे नहीं बोलने दिया गया है। तेज प्रताप यादव मंच से बोलने नहीं दिए जाने की वजह से काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि मुझे बोलना था और मैंने इस बारे में जानकारी भी दी थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया इस सभा में। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में अगर कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है तो उसका यही कारण है। तेज प्रताप ने कहा, मां गठबंधन की बड़ी लड़ाई लड़नी है, लेकिन जब सिपाहियों को ही मोर्चा नहीं दिया जाएगा तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली गुरुवार को थी। चुनाव प्रचार के सिलसिले में एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे और इसी दौरान उन्होंने पटना साहिबा से पार्टी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के लिए रोड शो किया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के लिए सभा को संबोधित किया।